नमस्कार, मैं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने पंचकुला को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। पंचकुला के विकास में मंगलवार को एक और अध्याय जुड़ गया, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से 9 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने के साथ साथ पंचकुला जिले के लिए 234 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नई घोषणा की। मुख्यमंत्री पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। आशियाना फ्लैट, इसकी मूलभूत सुविधाएं, इनका एक एस्टीमेट बना है, 5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, ये आशियाना फ्लैट पे हम लगाएंगे। पंचकुला में एक वरिष्ठ नागरिक गृह, ये एक ओल्ड एज होम बना हुआ है पहले, लेकिन मैं पिछले दिनों में खुद भ्रमण करने गया था, उसको देखने गया था और जा करके देखा तो वहाँ जितना स्थान चाहिए उतना कम पड़ता है और भी आवश्यकता है, तो उसके लिए उसी भवन के ऊपर या तो डबल मंजिल बनाया जा सकता है या खाली प्लॉट तो नया बनाया जा सकता है, तो एक उसके विस्तार के नाते भी 10 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। पंचकुला में पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड लोग बहुत रहते हैं, उनको पुस्तकालय की आवश्यकता है। सामान्य पुस्तकालय तो शायद होगा, लेकिन डिजिटल पुस्तकालय इसकी मांग है, तो इस डिजिटल पुस्तकालय के भी 8 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। सेक्टर 5 MDC से 6, 7, 17, 18 वहां गंदा नाला है, उसको ढकने के लिए उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान ये किया गया है। तो इस प्रकार 23 करोड़ ये हैं और छोटी छोटी और जो डिमांड्स हैं कुल मिलाकर 35 करोड़ की और हैं, तो 35 और 23 58 करोड़ रुपए की कुल डिमांड ये स्वीकार की जाती हैं। सड़क में है बतौर से गांव मौली, दूसरा कनौली से खंगेसरा, तीसरा नटवाल गांव नया गांव से नटवाल तक, चौथा गांव सुंदरपुर से गांव रामपुर सैणी, गांव टिब्बी से बुंगा, गांव बागवाड़ा से गांव रसीदपुर, गांव खंगेसरा से गांव जसवंतगढ़, गांव खटोली से अलीपुर रोड तक टांगरी नदी का पुल निर्माण। इस प्रकार से ये गांव की जो सड़कें हैं, छोटी चौकी से ऊपरली चौकी को जाने वाली सड़क, बिल्ला से जसवंतगढ़, वार्ड नंबर 20 मेन रोड टोका चौक से गांव के अंदर तक सड़क, तो इस प्रकार की ये सब सड़कें और सब मिला करके 58 करोड़ रुपया। हालांकि हमारे विधायक ज्ञानचंद जी को मैंने कहा था कि आज कुछ और घोषणाएं करनी है, इनका गांव की सड़कें कर दो, बाकी सब हमारा हो गया है, लेकिन गांव की सड़कों के अलावा भी इन्होंने 33 करोड़ रुपया और भी घोषणा करा लिया है।